नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ मोइता मलिक। स्वागत है आपका हमारी खास खबर की खास पेशकश। अमेरिका में फिर चला ट्रंप का कार्ड। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है और एक बार फिर राष्ट्रपति पद का ताज उनके सर सज गया है और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने ट्रंप के पास न केवल अरबों की संपत्ति है बल्कि दुनिया भर में उनका बिजनेस भी फैला हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं उनके इस सफर और संपत्ति के कुछ खास पहलुओं के बारे में। देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका में सबसे अमीर नेताओं में शुमार डोनाल्ड ट्रंप की संपत्ति 7 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक नवंबर 2024 में उनकी नेटवर्थ 7.7 अरब डॉलर यानी करीब 64,855 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। ट्रंप का बिजनेस रियल स्टेट से लेकर मीडिया तक फैला हुआ है। उनकी ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप की नेटवर्थ करीब 5.6 अरब डॉलर है। इसके अलावा उनके पास 19 गोल्फ कोर्स, शानदार मेंशंस और लग्जरी प्रॉपर्टीज का भी बड़ा कलेक्शन है। फ्लोरिडा में पाम बीच के किनारे बसा मारेलागो मेंशन, जिसे ट्रंप ने 1985 में खरीदा था, 20 एकड़ में फैला है। इसमें 58 बेडरूम्स, 33 बाथरूम्स, स्विमिंग पूल्स, स्पा और गोल्फ कोर्स भी शामिल है। ट्रंप के पास 5 एयरक्राफ्ट एंड रॉयल रॉयस से लेकर मर्सिडीज जैसे सैकड़ों लग्जरी गाड़ियां हैं और उनके कार कलेक्शन और एयरक्राफ्ट से उनकी रईसी का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप की इस नई जीत ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में एक नई चर्चा छेड़ दी है। उनके राजनीतिक और व्यापारिक सफर ने उन्हें एक खास पहचान भी दिलाई है और अब देखना होगा कि इस बार उनकी नीतियां और नेतृत्व अमेरिका को किस दिशा में ले जाएंगे। तो वहीं बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। उन्होंने अपनी मधुर आवाज से न सिर्फ छठ पूजा बल्कि बिहार झारखंड की संस्कृति को देश विदेश में एक अलग पहचान दिलाई है। उनके जाने से लोकगीत की उस धारा में भी ठहराव आ गया है जो खेत खलियानों और त्योहारों में जीवन का संचार करती थी। आइए सुरों की इस देवी को अंतिम प्रणाम देते हैं। शारदा सिन्हा की आवाज छठ पर्व की पहचान थी। उनके गीतों ने गांव की मिट्टी से जुड़े लोगों के दिलों में गहरी जगह बनाई थी। धान की रोपाई हो या सफल कटाई, उनकी आवाज हर काम में संगी बन जाती थी। हर साल जब छठ पूजा का समय आता था, लाखों लोग उनकी आवाज में केलवा के पात पर जैसे गीत सुनकर व्रत की शुरुआत करते थे। उनके सुरों ने छठ पर्व को एक भावपूर्ण और अलौकिक अनुभव बनाया है। फिल्म मैंने प्यार किया के मशहूर गीत कहे तो से साजन में शारदा जी की आवाज ने प्रेम और समर्पण को नया आयाम दिया है। इस गीत ने उन्हें बॉलीवुड में भी अमर बना दिया और उन्हें राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। शारदा सिन्हा सिर्फ एक गायिका ही नहीं थी बल्कि बिहार झारखंड की सांस्कृतिक पहचान भी थी। उनके गीतों में गांव का दर्द, प्रेम और अपनापन झलकता था जिसने उन्हें हर दिल में बसा दिया। शारदा सिन्हा का जाना एक युग का अंत है। उनके गीतों में छठ पर्व की पवित्रता और लोक जीवन की मिठास सदा जीवित रहेगी। उनके सुरों ने जो धरोहर छोड़ी है वो हमेशा दिलों में हमारे बसी रहेगी। शारदा जी, आपको अंतिम प्रणाम। तो वहीं यूपी की योगी सरकार को उनके बुलडोजर एक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इस कार्यवाही को गैर कानूनी ठहराया है बल्कि मुआवजे का भी आदेश दे दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं इस मामले में क्या कहा है कोर्ट ने और क्या है इसके मायने, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर एक व्यक्ति के घर को बिना नोटिस गिराए जाने पर नाराजगी जताई है और कहा है कि कानून का पालन किए बिना ऐसी कार्यवाही नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को उस व्यक्ति को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है जिसका मकान अवैध रूप से गिराया गया था। कोर्ट ने इसे बदले की कार्यवाही बताया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की पीठ ने यूपी के मुख्य सचिव से मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान अतिक्रमण से अधिक क्षेत्र को ध्वस्त किया गया जो कानून के दायरे से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख से साफ है कि बिना कानून का पालन किए किसी भी तरह की कार्यवाही मंजूर नहीं की जाएगी और कोर्ट का ये आदेश योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सवालिया निशान खड़ा करता है।
देखना होगा कि आगे इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं। तो वहीं छठ पूजा का पावन पर्व चल रहा है और आज छठ का दूसरा दिन यानी खरना है। इस दिन की खास महत्वता होती है जिसमें व्रतियों द्वारा सूर्य देव और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए विशेष तैयारियां की जाती है। आइए जानते हैं खरना का महत्व, साथ ही अर्घ्य का समय और विधि भी। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे विधि विधान से गुड़ की खीर बनाते हैं और पूजा अर्चना के बाद ये प्रसाद ग्रहण किया जाता है। सूर्यदेव और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए नाभ, नींबू, नारियल, केला, ठेकुआ, गन्ना, सुथनी, सुपारी और सिंघाड़े का भी भोग चलाया जाता है। छठ पूजा का मुख्य अर्घ्य अगले दिन संध्याकालीन सूर्य को दिया जाएगा और अगले दिन उगते सूरज को अर्घ्य देकर व्रत का समापन होगा। इस अर्घ्य के समय श्रद्धालु तालाब, नदी, पोखरों में खड़े होकर सूर्य को जल अर्पित करते हैं। छठ पूजा में शुद्धता और श्रद्धा का विशेष महत्व होता है। खरना से व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है जो पूरी निष्ठा और नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। छठ पूजा का ये पर्व आस्था, संयम और शुद्धता का प्रतीक है। हर साल श्रद्धालु इसी श्रद्धा के साथ छठी मैया और सूर्य देव की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। फिलहाल के लिए हमारी खास खबर की खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए देखते रहिए महुआ खबर और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।